तो है फिर दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MHKS मोबाइल इंजीनियर में आपका स्वागत है फिर। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक MI का फ़ोन है, तो आप लोग देख पा रहे हैं इसमें MI अकाउंट लगा हुआ है और Redmi 8A है। ये जो प्रोसेस मैं बताऊंगा ना, मेरिकल पावर टूल से बताने वाला हूँ, और 100% काम करता है या नहीं करता है ये भी देखेंगे। और ये जो है यूनिवर्सल मेथड बताऊँगा। अगर आपके पास MI का कोई फ़ोन है, क्वालकम बेस्ड फ़ोन होगा, तो आप इजीली अनलॉक कर पाएंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक बने रहिए। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फ़ोन को ओपन करना होगा, बैक ढक्कन सिर्फ, और आपको ये EDL पॉइंट यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये इसका EDL पॉइंट होता है, ये डेन टेस्ट पॉइंट। आपको मैं पिक का डाउनलोड पिक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और इसका फ्लैश फाइल भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा दे दूंगा। मेडिकल पावर टूल अगर आपको एक्टिवेट करना हो तो नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं PC में आपको दिखाता हूँ इसको कैसे अनलॉक करना है। तो ये देख लीजिए, MI अकाउंट लगा हुआ है इसमें और रेडमी 8 है। चलिए मैं इसको डिवाइस मैनेजर ओपन करके आपको दिखाता हूँ कैसे अनलॉक करना होगा। और ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना, जैसे टूल को ओपन कीजिएगा ना, ये देखिए टूल को जैसे ही ओपन कीजिए, आपको क्वालकम टैब ये फर्स्ट में ऑटोमेटिक ही रहता है, मीडिया टेक रहता है तो मीडिया टेक में जाना होता है। तो ये हमारे पास क्वालकम है, ये सेट जो है क्वालकम है, और EDL हमें कनेक्ट करके अनलॉक करेंगे। और इसका EDL ये है, आपको मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये दोनों जो है ना, इसका EDL है, ये दोनों। मैं टेस्ट पॉइंट आपको पिक्चर दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये देख लीजिए, अभी भी MI अकाउंट लगा हुआ है, ठीक है। आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है, क्वालकम टैब में जाना है। क्वालकम टैब में जाने के बाद आपको ये देखिए, फ्लैश में रहिएगा, सर्विस में जाइएगा, सिक्योरिटी में। आप देख लीजिए, ये तीन टैब दिखता है, मैं चलाना भी आपको सिखाऊंगा, वीडियो थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये सर्विस का टैब जो देख रहे हैं ना, सर्विस के टैब में जाना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्मेट यूज़र डेटा सेव फॉर्मेट फॉर्मेट FS, और यहाँ पे दिख रहा होगा डिसेबल MI क्लाउड, डिसेबल MI क्लाउड। आपको यहाँ पे वन क्लिक देना है, और आपको ये वाला देख लीजिए, MI अकाउंट लगा हुआ है, देख लीजिए। और ये बैटरी कनेक्टर आपको यहाँ से खोलना है, ठीक है। बैटरी कनेक्टर खोलने के बाद वहाँ पे आप देख लीजिए, नोट डिटेक्टेड दिखा रहा है पोर्ट, ठीक है। आपको यहाँ से दोनों ट्वीज़र आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। और ये डाटा केबल नीचे से कनेक्ट कर लेना है। पोर्ट अभी तक नहीं बना है, मैं फिर से देखता हूँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोचा हो सकता है, थोड़ा सा जैक का भी प्रॉब्लम होता है कई बार, तो अपन पलट के लगाते हैं फिर से। ये देखिए, डाटा केबल कनेक्ट हुआ और ये EDL यहाँ पे बना दिया है, ये देखिए क्वालकम EDL। अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है ना, तो मैं ड्राइवर का भी लिंक दे दूंगा, क्वालकम ड्राइवर का, आप इजीली डाउनलोड करके, इसका ऐसा पोर्ट नहीं बना रहा है तो आप वो ड्राइवर फर्स्ट इंस्टॉल कर लीजिएगा और आपका ये चलेगा। और ये फिनिश यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल ईजिली अनलॉक करता है। अगर इसका फुल प्रोसेस आपको चलाना सीखना अगर है तो कमेंट कीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा कि आपको चलाना नहीं आता है, तो इस पर मैं वीडियो पर्टिकुलर बना दूंगा। यहाँ पे देख लीजिए, मैन्युफैक्चर Xiaomi का है, एंड्रॉयड वर्जन 10 है, और ये देख लीजिए V5, मतलब लेटेस्ट अपडेट पे ये है, 12.5.6 लेटेस्ट अपडेट है। और ये ओलीवुड फाइल का नाम है ओलीवुड, और 2021/22 सक्सेस ये लिख रहा है, MI क्लाउड डाटा रिसेटिंग सक्सेस राइटिंग सक्सेस, MI क्लाउड रीड सक्सेस राइटिंग राइटिंग सक्सेस, और ये MI क्लाउड डिसेबल फिनिश। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं इसको, MI क्लाउड जो है इसको निकाला कि नहीं निकाला ये। तो जो भी MI क्लाउड जानते होंगे निकालने के लिए काम कर रहे हैं, उनको पता होगा कि ये जो है, जैसे ही फ़ोन ऑन होता है तो आपके सामने ये आ जाता है। तो यहाँ पे ये देख लेंगे कि हमारे पास आता भी है या नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, और फ़ोन ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पे फ़ोन मेरा ऑन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए, फ़ोन ऑन हो गया और यहाँ पे वाईफाई भी हमारा कनेक्ट है, ठीक है। ये देख लीजिए, हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से देख लीजिए, मेरा जो है
MI क्लाउड था, यहाँ से वाईफाई हमारा कनेक्ट है, बट अभी तक MI क्लाउड, अगर रीलॉक वाला भी होता है ना तो ये टूल जो है अच्छा है, काम भी कर रहा है, 100% वर्किंग है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से वाईफाई कनेक्ट है, फिर भी अगर रीलॉक भी रहता तो ऑटोमेटिक आ जाता है ये वाईफाई जैसे हम कनेक्ट करते हैं, तो ये नहीं आया, इसका मतलब रीलॉक को भी ये डिसेबल कर चुका है। तो डोंट कॉपी, और मैं बता दूं फ्रेंड, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना वो 100% सक्सेस होता है, जेन्युइन होता है, तभी मैं वीडियो बनाने का आप लोगों के सामने कोशिश करता हूँ, विदाउट जेन्युइन का मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ सबसे फर्स्ट। तो यहाँ से आप लोग नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली है, कहीं कोई तरह की दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। थोड़ा सा टाइम जो नेक्स्ट नेक्स्ट का प्रोसेस होता है वो लेगा ही। ये देखिए स्किप का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, आप बिल्कुल ईजिली स्किप कर सकते हैं। मैं अगर चाहता तो वाईफाई अगर कनेक्ट नहीं करता तो आप इजीली जो है ना नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी हो जाता है। मैंने इसलिए वाईफाई कनेक्ट कर दिया था पहले ही कि पता चल जाए कि एक्चुअल में जो है रीलॉक का प्रॉब्लम भी ये ख़त्म कर देता। अगर रीलॉक का भी प्रॉब्लम रहता तो ये रीलॉक आ जाता दोबारा से MI अकाउंट, बट MI अकाउंट नहीं आया, इसका मतलब इसमें रीलॉक को भी ये हटा दिया। तो यहाँ से स्किप स्किप कर लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट इज लॉ, नेक्स्ट सेटअप डन। तो फ्रेंड ये वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे ऐसा और वीडियो मैं बनाता रहूँ। मैंने पार्ट वन का वीडियो बनाया हुआ है, मेडिकल पावर को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, सारा प्रोसेस हमने बनाया है इस वीडियो से पहले, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन पे भी दे दूंगा। वीडियो ख़त्म होगा तो लास्ट में भी ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और मैंने MTK का फ़ोन अनलॉक करके दिखाया है इस मेडिकल पावर टूल से, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लीजिए। ये देखिए हमारा जो था MI अकाउंट और FRP दोनों ईजिली अनलॉक हो चुका है, और मेरा फ़ोन भी अब मेन स्क्रीन पर आ चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए, कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड।